हे गुड मॉर्निंग क्या बोलती पब्लिक, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। सुबह सुबह 11 बजे मैं जा रहा हूँ दूध लेने, क्योंकि आज पता नहीं दूध जल्दी खत्म हो गया। पता नहीं, नहीं नहीं नहीं, याद आया कल शाम को काफ़ी गेस्ट आए थे घर पे, तो आज का दूध कल रात को ही ख़त्म हो गया, तो अभी सुबह सुबह दूध लेने जाना पड़ रहा है। अगर मैं नहीं लाया तो मेरे को चाय नहीं मिलेगी, तो मेरे को जाना ही पड़ेगा। गुड मॉर्निंग भैया। गुड मॉर्निंग। आज कुछ अलग लग रहा है आपको? यस। क्या? नहीं तो। हाँ वो भी अलग है, पर फिर भी कोई और चीज़ अलग बताओ। सर्दी आ रही है। मैंने सुबह सुबह दूध लिया। भैया भी गैस नहीं कर पाए यार, क्या मेरे को लगा था कर लेंगे, पर उनको बहुत सारा काम होता है, तो वो ऐसे कैसे गैस करेंगे कि सनी ने आज सुबह दूध लिया है। पर अपने लिए तो अनयूजुअल ही है, क्योंकि मैं ऐसे नॉर्मली कभी लेता नहीं हूँ सुबह दूध। भैया को गैस करना चाहिए था ऐसे। जो भी है जाने दो, अभी मेरे को चाय तो पीने मिलेगी। एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गया, आज मम्मी पापा को गाँव जाना पड़ेगा, क्योंकि एक अर्जेंट काम है, तो वो काम करके कल शाम तक वापस आएंगे मम्मी पापा। एक इमरजेंसी आ गई थी तो जाना पड़ेगा। और गांव से एक और काम भी करना था, बहुत सारा गेहूं लाना था, क्योंकि हमारे घर पे एक्चुअली गेहूं ख़त्म हो गया है, तो हम यूजुअली गांव से लेके आते हैं और स्टोर करते हैं घर में, एक साल के लिए चल जाता है फिर, और गाड़ियां आ जा नहीं कर रही, इसलिए हमारा गेहूं आ नहीं रहा है गाँव से। तो अभी पापा लेके आएंगे और फिर पूरा साल नो प्रॉब्लम गेहूं खाएंगे दबा के। चावल भी लाने को बोलना मेरे लिए। जब से रॉकी देख रहा है ना कि तैयारी चल रही है गांव में जाने की, रॉकी बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो गया है और घर में यहाँ वहाँ भाग रहा है और उथल पुथल मचा रहा है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता जब कोई भी घर से बाहर जाता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा अभी गुस्से में है और वो कुछ भी कर सकता है। अभी फिलहाल उसने ऑलरेडी नाखून तो मार दिया है मेरे को, मेरा खून भी निकल रहा है पैर में से। तो आज रॉकी से बच के रहना पड़ेगा और सबको बचा के भी रहना पड़ेगा। गाड़ी भी धुलवा के आ गए पापा। फिलहाल मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए मैं कब से ये लेके घूम रहा हूँ, पर मेरे को ये लगाना अच्छा नहीं लगता, तो मैं सो जाता हूँ। अगर आपको कभी अच्छा ना लगे या हेडेक हो तो एक अच्छा सा नैप लेके देखो, इट विल वर्क 110%। 4:30 बज चुके हैं तो लंच करने के बाद सीधा वॉक पे जाना पड़ेगा, रॉकी की वॉक पे। वो बेचारा सैड बैठा है नीचे, क्योंकि मम्मी पापा चले गए ना गांव, तो उसको अच्छा नहीं लगा। क्या आप सब 2 मिनट रुक सकते हो प्लीज? और तब से मस्ती वस्ती कुछ नहीं कर रहा है, अभी जाके उसको थोड़ा पैट करता हूँ, उसको मैं दिलासा देता हूँ कि बेटे आ जाएंगे सब वापस, तो ऐसे क्यों, ऐसे रूट क्यों गया है। एक बार पहले भी जब मम्मी पापा गए थे गांव, तो रॉकी बीमार पड़ गया था लिटरली, वो इतना ज्यादा सैड हो गया था, क्योंकि वो तब बहुत छोटा था। लंच डन, वॉक टाइम। रॉकी भाई ये घूर रहा है इनको और वो एकदम ऐसी आवाज निकाल रहा है। क्या रॉकी, जस्ट उठने के बाद मैंने एक चीज रियलाइज की थी कि चार्जर जो है आईफोन का, वो तो पापा ले गए और चार्जर हमारे पास एक ही है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं फोन को चार्ज कैसे करूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि चार्जिंग इतनी टिक जाए कि राजेश जब आए एक वीडियो एडिट हो जाए और एक वीडियो इसमें से उसके फोन में ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि फिर राजेश को ऐसे खाली हाथ नहीं बैठना पड़ेगा और कल संडे है तो वो एडिट भी कर लेगा। पर एक चीज़ तो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, वो ये कि कल के दिन व्लॉग नहीं हो पाएगा और पक्का नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 60% बैटरी है इस फ़ोन का, कोई अता पता नहीं है, कभी 60 से 30 हो जाए, यू नेवर नो। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, अब जो होना होगा वही होगा, पर अच्छा होना चाहिए। फिलहाल अपना रॉकी चला गया है खाना खाने के लिए, डिनर टाइम 6:30 बजे खाता है वो। वहीं से भी रात के 12:30 बज चुके हैं और हम लोग सल्लू बिग बॉस देख के आए, वीकेंड का वार देखते हैं हम लोग, मजा आती है, समझ तो आ ही जाता है, क्योंकि हमने बहुत बिग बॉस देखा है तो समझ आ ही जाता है, उतना पता चल जाता है कि किसने क्या किया, पर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू हम रख नहीं पाते, क्योंकि अपने ने पूरा वीक का जो चीज है वो देखा नहीं होता है और इतना टाइम भी नहीं है पूरे हफ्ते के एपिसोड्स देखने का, इधर मुश्किल से अभी
आज हम देखा तो अभी मेरा एडिट बचा रह गया, अभी वो रात के 2-4 बजे तक वो एडिट करो। बहुत बड़ा वीडियो है, बहुत बड़ा। अभी कितने बजे हैं? 1 बजने में आ गए, तो फिर तो 3-4 उसको बच जाएंगे। फिर कल संडे अच्छा है, जो भी है अभी इस फोन में चार्ज की बहुत ही दिक्कत है, वो कल। हाँ, चार्ज की दिक्कत मैंने बताया था। अभी कर जो जुगाड़, वो जो डेटा केबल पड़ा है अपने पास, उससे उससे तो नहीं चल रहा था, इसलिए वो नए वाले चार्जर से चार्ज कर रहे थे। पर एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉय द व्लॉग। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, हम लोग मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए।